मैंने अध्यक्ष जी ये बात सही है, आलोचना करने के लिए आंकड़ों का हर प्रकार से उपयोग हो सकता है, लेकिन क्या इस देश का सपना कोई किसी के जमाने में कुछ हो तो बड़ा आनंद का विषय, लेकिन किसी और के समय हो तो बहुत बुरा। इसी सदन में जब हम अर्थव्यवस्था में 11 या 13 नंबर पर जब पहुंचे थे तो इतना बड़ा उमंग और उत्साह के साथ बेंच थपथपाई जा रही थी और बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में इस चीज को प्रदर्शित किया गया, 11 या 13 पर पहुंचे थे। लेकिन जब 6 पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो गया भाई, अरे देश वही है जी, हम भी देश के लोग हैं। 11 पर जाने पर आनंद आता है तो 6 पर तो और आना चाहिए। कब तक इतने ऊंचे रहेंगे कि नीचे दिखाई न दे। और इसलिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्यों, हम सबका सपना क्यों नहीं होना चाहिए? हम सबने मिलकर के देश को 5 ट्रिलियन ले जाएंगे तो किसका नुकसान होने वाला है जी, सबका फायदा होने वाला है। और मैं मानता हूं कि इसके लिए हम सबने मेहनत करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जाना चाहिए, एक सपना लेकर के चलना चाहिए। और मुझे विश्वास है हमारे देश में मेक इन इंडिया, मजाक बहुत उड़ा लिया, लेकिन क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि देश में मेक इन इंडिया होना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं, मैं अपना समय बर्बाद करता हूं, मुझे करने के लिए बहुत काम है, लेकिन देश को कुछ चीजों की जानकारी देना जरूरी है। हमारे देश के पास करीब 200 साल का आयुध बनाने का एक्सपीरियंस है, 200 साल का। और जब देश आजाद हुआ तब इस देश के पास 18 ऐसी फैक्ट्रीज थी जो आयुध का निर्माण करती थी। और देश जब आजाद हुआ उस समय चाइना आयुध के क्षेत्र में 0 जगह पे था, 0, उसके पास कोई अनुभव नहीं था, न कोई फैक्ट्री थी। आज चाइना दुनिया में अपने डिफेंस की चीजें एक्सपोर्ट करता है और हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। इस सच्चाई से हमें देश को बाहर लाना है। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा के क्या करेंगे जी, हो सकता है रात को अच्छी नींद आ जाएगी लेकिन देश का तो भला नहीं होगा।